अमृतसर सिलाई सेंटर पार्लर सेंटर में फ्री कोर्स सिखाया जा रहा है, और जहां आज लड़कियों को 1000 सिलाई मशीन और सूट बाकी का और भी सामान दिया गया। उनकी दुकान का 3000 रेंट भी दिया गया। यहां दो टाइम शिफ्ट लगाई जाती है, सुबह 10 से शाम 1 बजे तक और शाम 2 से शाम 5 बजे तक। लड़कियां अपने पैरों पर स्टैंड हो सके, वो कुछ सीख सके, अपने लिए कुछ कर सके, इसलिए उन्हें फ्री कोर्स सिखाया जाता है। अमृतसर से सोनू सोदी की रिपोर्ट। आज का फंक्शन यही है कि हमने जो हमारा एक लेके चले थे कि हमने 1000 बच्चों को सिलाई मशीनें देनी हैं, देने के साथ कि हर घर में रोज़गार। रोज़गार देने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ रुपए से या कुछ एक सिलाई मशीन से उनको दे दें कि बेटा चलो अब आप करो, पर आगे भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस यही आते हैं कि अगर वो बच्चे ने सीखा है, अगर उसको सिलाई मशीन दे दी है, तो वो अपना बुटीक कैसे ओपन करेगा, वो अपनी वर्कशॉप कैसे ओपन करेगा। तो उसका हमने सारा 1000 बच्चों का टारगेट लिया कि हम 1000 बच्चों को अमृतसर में दुकानें खुला के देंगे ताकि घर घर रोज़गार जाए, ये लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और अपने हाथों से कमा के आप भी खाएं और अपने घर वालों को भी ये बताएं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी आगे बढ़ सकती हैं। तो आज हमने ये 200 मशीनों का टारगेट लिया था, जो कि हमने आज हमारे यहाँ पे डॉली जी आए हुए थे, जो कि एक NGO भी बहुत तरह की चलाती हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे लड़कों को बच्चियों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा पूरा जो था टारगेट था, आज हम इनको सिलाई मशीन, फैब्रिक, आयरन और जो भी उनके दुकान पे जो भी चीज़ें हैं वो आज इन बच्चों को हम देंगे, और इंस्टीट्यूट की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आज से ये अपना काम शुरू करें और आगे बढ़ें। जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कैसा लगा? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर यहाँ ये लगा कि चलो गरीबों का कोई मसीहा है, जैसे तरुण जुग जी कर रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए सारा व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लड़कियाँ मशीनें चला सकें, अपना रोज़गार कर सकें। तो ये मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। राधिका जी ने अपना पूरा टाइम दिया हुआ है इनको मोटिवेट करने में, इनके समस्याओं को समझने में, और इनकी हेल्प कर रही हैं, सारा समझ रहे हैं आसपास कि आज के टाइम में कौन कौन से जो रोज़गार हैं इनको मिल सकते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में। और बच्चे, मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एटलीस्ट कोई अपने हाथों से काम तो करेंगे, कहीं अच्छा दिल तो लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो करेंगे, एटलीस्ट वेला दिमाग, वो कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो वेला बहने से तो अच्छा है कि वो बच्चे कुछ करेंगे, कुछ सीखें, कुछ ना करें, अपनी ज़िंदगी में आगे जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। कैसा लग रहा है इनका जो फ्यूचर, कैसा आप देख पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा फ्यूचर है ना, फ्यूचर वाली कोई तो बात ही नहीं कि फ्यूचर के बारे में ये मैं बोलूँ कि नहीं। बच्चों को काम, देखो बच्चों को काम करना आना चाहिए, बच्चों को मेहनती होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, अच्छा कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, तो ये इनकी मेहनत ही इनको आगे लेके जाएगी। और मैंने इनको एक मैसेज भी दिया है कि जैसे जैसे आप अपने अंदर ईश्वर के साथ जुड़ के आगे चलोगे, तो ज़िंदगी की कामयाबी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कि हम ईश्वर के घर से आए हैं, हमारे अंदर, हम सबके अंदर सेम ऊर्जा है। यह है कि हमें कनेक्ट करना नहीं आता, हम जब जब इस ईश्वर के साथ कनेक्ट करके उससे ऊर्जा लेके आगे बढ़ेंगे, तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँच जाएंगे, अपनी ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है इंसान, बशर्ते कि उसको ईश्वर के साथ जुड़ना आना चाहिए, उसकी ऊर्जा लेनी आनी चाहिए कि हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे सारे ही मेहनती हैं, आगे बढ़ने का सबको दिल करता है, किसका दिल नहीं करता, बस इसके लिए मेहनती होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल राधिका मैम इन पूरा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रही हैं, बच्चों को इंस्पायर करते रहते हैं कि नए नए प्रोग्राम्स ला के, नए नए ये कोर्सेज ला के, को अट्रैक्शन है, जिसके हाथ में जो भी स्किल है वो करनी चाहिए, ये स्किल देख के ही सारा काम कर रहे हैं। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।